नमस्कार दोस्तों, मैं रीता आपका स्वागत करती हूँ रीता जी बिहारी किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं, देखिए दोस्तों, आलू का भुजिया बिहारी स्टाइल में हम लोग यहाँ बनता है। तो देखिए, पहले हम इसको लंबा लंबा पतला पतला ऐसे आलू को, जैसे आलू को बचकाली के लिए जब के लिए गोल गोल काटते हैं ना, उसे काट के उस तरह से काट लेंगे। और फिर इसको ऐसे ऐसे करके लंबा लंबा काट लेंगे। देखिए दोस्तों, हम भुंजिया काट रहे हैं। इसके लिए भुंजिया काटने के लिए हम आधा किलो आलू लिए हैं। आलू आप कोई भी साइज का ले सकते हैं, बड़ा आलू, छोटा आलू, जो आलू आपके पास है वो ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ज़्यादातर लोग भुंजिया बनाते हैं, छोटा छोटा आलू मिलता है उसी का भुंजिया ज़्यादा यहाँ पर बनाते हैं। हम उसका भी वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। तो मेरे पास बड़ा वाला आलू है, इसी का भुंजिया बना लेते हैं। एक बार आप भी इस तरीके से भुंजिया काटिए, मोटा मोटा जैसा बनाइए। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, भुजिया को काट लिए हैं, इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। दो तीन पानी से अच्छी तरह से भुजिया को धो लेते हैं। भुजिया हम लोग बिहार में भुजिया काटते हैं, आलू का छिलका नहीं हटाते हैं, छिलका से ही भुजिया काट लेते हैं। इसका अलग ही एक स्वाद है और खाने में एक अलग ही मज़ा है। भुजिया का सारा पानी निकाल लेंगे अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, मेरा कढ़ाही धिक गया है। अब हम इसमें एक तौली तेल डाले हैं, थोड़ा सा राई, और मेरा राई पक गया है। अब इसमें हम मिर्चाई, सूखा हुआ मिर्चाई का फोरन दे देते हैं, लाल मिर्च का, इसको थोड़ा चला देते हैं। सूखा मिर्च भुजिया में डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है। चला देते हैं। ढक दे रहे हैं इसको थोड़ा थोड़ा देरी पर, दो या तीन मिनट पर, तीन मिनट पर हल्का हल्का चलाते रहना है। चलाइए, अच्छे से ढक दीजिए। ये भुजिया हमारा लगभग आधा पक चुका है, तो फिर से चलाएंगे, फिर से चला के फिर से इसको ढक देंगे वापस। देखिए दोस्तों, थोड़ा भूंज लेंगे, तीन मिनट पर। क्या थोड़ा अंदाज ही, जो खाना बनाते हैं उसको तो थोड़ा अंदाज ही आदमी को रहता है। फिर से इसको ढक के, देखिए आलू मेरा लगभग आधा तो सीख चुका है। फिर से इसको वापस ढक के छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, इसको हमने चला लिया है। अब इसमें हम मसाला नमक डाल देते हैं। नमक अपना स्वाद अनुसार, हल्दी, इसमें कुछ ज़्यादा मसाला भुंजिया में नहीं डालना रहता, एक मसाला वाला भी भुंजिया होता है और ये बिना मसाला वाला है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, और इसको हम चला देते हैं। दोस्तों, ये 75% से पका हुआ है, और बस थोड़ा सा इसको और पकाना है, और ये पकेगा भी और ये खर भी हो जाएगा, मतलब जो लाल, और इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। देखिए दोस्तों, कलर कितना सुंदर आ गया है। इसको ढक के 5 मिनट और पका लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये भुजिया हो गया है। धनिया पत्ता छिट देते हैं, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसको आप चावल दाल के साथ या रोटी पराठा पूरी के साथ भी खा सकते हैं, अन्य तो ऐसे भी ये बना के खा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और भुजिया बना के खाइए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें बताइए।